हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 5.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेवन तक हमने सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्थ क्या कह रहा है इसका? A1 इक्वल्स टू 4 एंड D इक्वल्स टू 2 एंड Sn इक्वल्स टू माइनस के 14 हमको गिवन है। हमें फाइंड करना है n की वैल्यू और a की वैल्यू, ठीक है? तो An का फॉर्मूला क्या होता है? An 4 के इक्वल है, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 4। पुट कर दिया मैंने डी इक्वल्स टू 2। गिवन है ए प्लस एन माइनस वन इंटू 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है? सिंप्लीफाई कर दिया, 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4, देन ए प्लस 2n इक्वल्स टू 4 प्लस 2, देन ए प्लस 2n इक्वल्स टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है? सेकेंड क्या गिवन है? एस एन इक्वल टू माइनस के 14। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के 14 गिवन है और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक और फॉर्मूला क्या होता है? इफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर गिवन, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस के 14। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है? ए एन इक्वल टू 4, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? एन। अब नंबर ऑफ टर्म्स एन है तो ए एन क्या होगी? उसकी लास्ट टर्म होगी। तो पुट कर दिया हमने, पुट ए इक्वल टू, ए तो गिवन है ही नहीं हमारे पास, और क्या गिवन है? एल विच इज इक्वल टू 4 एंड एल इक्वल टू 4 और एस एन कितना है? माइनस के 14। पुट कर दिया एन बाई टू ए, तो फाइंड आउट करना है एल की जगह 4 इज इक्वल टू माइनस के 14। क्लियर? हम एन बाई टू 2 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई किया, एन बाई टू ए प्लस 4 इक्वल टू माइनस के 14। ए प्लस 4, अब देखो ये ए और एन में दो इक्वेशन, ये भी ए एन में दो इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे? बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या कर दिया मैंने, या तो ए की या एन की, इन टर्म्स ऑफ ए की वैल्यू या एन की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड आउट करके किस में पुट कर देंगे? इसमें। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट ए इक्वल्स टू 6 माइनस 2n। ट्रांसपोजिशन कर दिया 2n का, तो क्या हो गया? 6 माइनस 2n, तो n बाई 2 ए की जगह मैंने पुट कर दिया 6 माइनस 2n प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस के 14। एन बाई टू 6 प्लस 4 10 माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस के 14। एन बाई टू 2 कॉमन निकाला, 5 माइनस n इज इक्वल टू माइनस के 14। 2 से 2 कैंसिल हो गया, n 5 माइनस n इक्वल टू माइनस के 14, ठीक है? ब्रैकेट ओपन किया, 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 14, सबका उधर ट्रांसपोजिशन कर दिया, माइनस के 14 प्लस n स्क्वायर माइनस के 5n। ये एन स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हम रीअरेंज करेंगे। पहले एन स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए, फिर एन वाली, फिर कॉन्स्टेंट टर्म। तो एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये क्या हो गई? एन स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको क्या करनी है? एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे इजीएस्ट मेथड क्या रहता है? फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है? 14। साइन किसका आ रहा है? माइनस का। तो 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको सबट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए। तो क्या होंगे? 7 इंटू 2 14, 7 माइनस 2 5, ठीक है? तो हम इस 5 को लिख सकते हैं 7 माइनस 2 n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्लियर? सिंप्लीफाई कर दिया, 7 एन माइनस माइनस प्लस 2 एन माइनस 14 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाला, एन माइनस 7 प्लस 2 एन माइनस 7, एन माइनस 7 दोनों में से कॉमन निकल गया, एन प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इफ एन माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देन एन इक्वल टू 7। इफ एन प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन एन इक्वल टू माइनस के 2, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एन इज नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी नेगेटिव।
not possible because number of terms cannot be negative. नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है? कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. कि हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है? या तो वन होगी या टू होगी या थ्री होगी या फोर होगी या एंड सम जो भी नंबर होगी, तो वो क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म, नेचुरल नंबर होती है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती. इसलिए माइनस टू क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा. तो एन की वैल्यू तो कितनी आ गई, सेवन. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट. सेकेंड क्या फाइंड करना हमें, ए की वैल्यू. तो ए की वैल्यू के लिए इक्वेशन फर्स्ट थी ए एन इक्वल्स टू फोर, उसको हमने सिंप्लीफाई किया था. ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू फोर. और ए कितना, ए तो फाइंड करना था हमें, एन कितना पुट कर दिया मैंने इसमें, पुट एन इक्वल्स टू सेवन एंड डी इक्वल्स टू टू पुट कर दिया. सेवन माइनस वन इंटू टू इक्वल्स टू फोर. सिंप्लीफाई कर देंगे इसको तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एन की. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है इसका, आपको सिंप्लीफाई करना है. सिमिलर टेंथ, टेंथ में दे रखा देर आर टोटल एन टर्म्स, देर आर टोटल एन टर्म्स, दैट इज, दैट मीन्स क्या हो गया, एन कितना हो गया, नाइन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो इसका क्या कह रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी सेवन नाइन सेवनटीन ट्वेंटी फाइव मार्क्स टू बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636. मतलब इस एपी के कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हम लें तब इसका सम कितना हो जाए, एस एन इक्वल टू हो जाए 636. तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड आउट करनी है जिसके लिए सम हमको गिवन है. तो गिवन एपी से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए विच इज इक्वल टू 9, ए टू इक्वल टू है 17. तो इससे क्या फाइंड हो जाएगा, डी ए टू माइनस ए वन डी 17 माइनस 9 देन डी 8. ठीक है, और क्या गिवन है, एस एन गिवन है. तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन गिवन है 636. एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इज इक्वल टू 636. क्या गिवन है, ए इक्वल टू 9 डी इक्वल टू 8. एन बाई टू टू इंटू 9 प्लस एन माइनस वन इंटू 8 इज इक्वल टू 636. सिंप्लीफाई करोगे एन स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और किसकी वैल्यू आ जाएगी, एन की. ठीक है, ये आपको सिंप्लीफाई करना आगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, सॉरी फिफ्थ क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, ए इक्वल्स टू 5, लास्ट टर्म इक्वल्स टू, लास्ट टर्म इज 45, दैट मीन्स एल इक्वल्स टू ए एन विच इज इक्वल्स टू 45 एंड सम इज 400, एस एन इक्वल्स टू 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस. ठीक है, ये हमको फाइंड करना है. तो ए एन का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 45. गिवन क्या है, ए, पुट ए इक्वल टू 5 पुट कर दिया. 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 45, एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 45 माइनस 5 देन एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 40, एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 40 इज इक्वेशन फर्स्ट. नेक्स्ट क्या गिवन है, एस एन इक्वल टू 400. तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 400. पुट ए इक्वल टू 5, ए की जगह कितना पुट कर दिया हमने, 5 पुट कर दिया. ठीक है, तो क्या हो गया, एन बाई टू 2 इंटू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 400. एन बाई टू 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 400.
अब देखो ये भी n माइनस n और d में इक्वेशन है, ये भी n और d इक्वेशन में इक्वेशन है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट यहां से d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली मैंने, क्या हो गया d 40 अपॉन n माइनस 1, d की वैल्यू निकाल दी और किसमें पुट कर दी, इसमें पुट d इक्वल्स टू 40 अपॉन n माइनस 1 पुट कर दिया, n बाय 2 10 प्लस n माइनस 1 इंटू 40 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 400, तो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया, n बाय 2 10 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 400, n बाय 2 40 प्लस 10 50 इज इक्वल्स टू 400, 25 n इक्वल्स टू 400, तो n इक्वल्स टू 400 अपॉन 25, कैंसिल कर दिया इसको, n इक्वल्स टू 16, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी हो गई इसमें 16, सेकंड क्या फाइंड करना हमको, d फाइंड करना, तो n इक्वल्स टू 16 की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, put n equals to 16 in equation first, 16 minus 1 into d equals to 400, solve कर दिया इसको, 15 d equals to 400, d equals to 400 upon 15, तो ये 80 आ गया और नीचे 3 आ गया, तो 80 में 3 का divide नहीं होता है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 80 अपॉन 3, आगे और सिंपलीफाई करना चाहे इसको तो क्या कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ इन APR 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, क्या गिवन है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म a इक्वल्स टू 17 एंड L which is equals to AN and which is equals to 350, ठीक है, if the common difference is equals to 9, how many terms are there and find out करना है and what is their sum और SN हमको find करना, ठीक है, तो जो given है उसका use कर लेंगे हम, क्या given है, AN equals to 350, तो A का AN का मतलब क्या होता है, A plus N minus 1 into D, 350, put कर दिया हमने इसके अंदर, put a equals to 17, d equals to 9, put कर देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी n की, और n आ गया, a आ गया, d आ गया, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, sn की, क्लियर, तो ये आपको आगे सिंपलीफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ इन ap, हमको s 22 फाइंड आउट करना है इन ap व्हिच d इक्वल्स टू 7 एंड A 22 हमको गिवन है 149। अब देखो S 22 फाइंड करना है तो उसके S SN फाइंड करने के लिए किस किस की जरूरत होती है, A D और N की, तो N तो हमारे पास है, D हमारे पास है, क्या नहीं हमारे पास, A, तो वो किससे आएगा, A 22 से, A 22 हमें गिवन है 149, A 22 मींस A plus 21 D equals to 149, put D equals to 7, इसमें d की वैल्यू 7 पुट कर दोगे किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, a आ गया, d आ गया और n हमारे पास है 22, तो sn फाइंड कर सकते हैं हम, तो इससे क्या फाइंड कर देंगे s 22, ठीक है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन आपको इसी तरह सिंपलीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म ऑफ एन एपी हूज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली, हमें एस 51 फाइंड करना है, उसके लिए ए 2 गिवन है 14 एंड ए 3 इज गिवन है 18, ठीक है, ए 2 और ए 3 गिवन है और एस 51 फाइंड करना। अब देखो एस एन के लिए किस किस की जरूरत होती है, एन ए और डी की, तो एन तो हमारे पास है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 51, ठीक है, अब हमें किस किस की जरूरत है, ए और डी की
ए और डी के लिए दो कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो डी क्या होता है, सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना। तो यहाँ पे दोनों सक्सेसिव टर्म ही दे रखी है, कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखी है, टू और थर्ड। तो डी क्या होगा, डायरेक्ट ए थ्री माइनस ए टू कर दूं मैं, हमारे पास डी आ जाएगा। सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दिया तो डी हो गया 18 माइनस 14, देन डी इक्वल्स टू 4। क्लियर, डी तो आ गया। अब हमें किसकी जरूरत है, ए की। तो ए टू कितना गिवन है, 14। ए टू को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी इक्वल्स टू 14। डी की वैल्यू पुट कर दी, पुट डी इक्वल्स टू 4। ए प्लस 4 इक्वल्स टू 14, देन ए इक्वल्स टू 14 माइनस 4, देन ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब ए आ गया हमारे पास 10, डी आ गया 4 और एन हमारे पास है 51। तो हम एस एन फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाया एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पुट ए इक्वल टू 10, डी इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 51। पुट कर दोगे सारी वैल्यू को और सिंप्लीफाई किया, किसकी वैल्यू आ गई, एस 51 की वैल्यू। क्लियर, तो एस एन फाइंड करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, ए एन और डी की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो इसका क्या कह रहा है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म दैट मीन्स एस 7 इज 49, दैट ऑफ 17th टर्म, That of 17 term, और उसकी S 17 हमें कितना गिवन है, 289। Find the sum of first n term, ठीक है, हमें दे रखा है if the sum of first 7 term of AP is 49, that of 17 term is 289, find the sum of first n term, और हमें इसकी n term का sum find करना है। ठीक है, तो S 7 का मतलब क्या हो गया, Sn होता है कितना, n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला होता है। हमें क्या गिवन है, पहले n 7, तो पुट n इक्वल्स टू 7, पुट कर दिया मैंने s 7, 7 बाई टू, टू ए प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। s 7 कितना गिवन है, 49, पुट कर दिया इसकी जगह, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया इसको, टू कॉमन निकल गया, ए प्लस 3d, टू से टू कैंसिल हो गया, 49 इक्वल्स टू 7, ए प्लस 3d, 7 का ट्रांसपोजिशन किया, डिवाइड में चला गया, ठीक है, सिंप्लीफाई किया इसको, ए प्लस 3d इक्वल्स टू 7, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, नेक्स्ट है Sn कितना है, n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला होता है। अब कितना गिवन है, n की जगह 17, पुट n इक्वल्स टू 7, पुट किया हमने s 17, 17 अपॉन टू, टू ए प्लस 17 माइनस वन इंटू डी। अब S 17 की वैल्यू कितनी है, 289, तो ये हो गया 289 इज इक्वल टू 17 अपॉन टू, टू ए प्लस 16d, 289 17 अपॉन टू, टू कॉमन निकल गया, a प्लस 8d, टू से टू कट गया, 289 अपॉन 17 इक्वल टू a प्लस 8d। नेक्स्ट 289 अपॉन 17 इक्वल्स टू ए प्लस 8, 289 को 17 से कैंसिल किया, कितना आ गया 17, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, ठीक है, तो कितना आ गया 17 इक्वल्स टू ए प्लस 8d, ठीक है, तो ए प्लस 8d इक्वल्स टू 17, इसको दे दी मैंने इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन, दो अननोन वेरिएबल, ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, क्यों किया, क्योंकि दोनों में ए के कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, ए प्लस
थ्री डी इक्वस टू सेवन, ए प्लस एट डी इक्वस टू सेवनटीन, माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल, एट में से थ्री माइनस, माइनस के फाइव डी, सेवनटीन में से सेवन, माइनस के टेन, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी इक्वस टू टेन बाई फाइव, देन डी इक्वस टू टू, पुट डी इक्वस टू टू इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट या सेकंड किसी में एक में पुट कर देंगे, ए प्लस थ्री इंटू टू इक्वस टू सेवन, ए प्लस सिक्स इक्वस टू सेवन, देन ए इक्वस टू सेवन माइनस सिक्स, देन ए इक्वस टू वन, ए की वैल्यू वन आ गई और डी की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, एस एन, एस एन इक्वस टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, पुट ए इक्वस टू वन एंड डी इक्वस टू टू, पुट कर दिया हमने, एस एन एन बाई टू टू इंटू वन एन माइनस वन इंटू टू, एन की जगह एन है, सिंप्लीफाई कर दिया इसको, एन बाई टू टू प्लस, ब्रैकेट ओपन किया, टू एन माइनस टू, एस एन इक्वस टू एन बाई टू प्लस माइनस माइनस, टू से टू कैंसिल हो गया, क्लियर। देन एस एन इक्वस टू एन बाई टू इंटू टू एन, टू से टू कैंसिल हो गया, एस एन इक्वस टू एन को एन से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, एन स्क्वायर, और यही हमें फाइंड करना है, तो एस एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेंथ, क्या कह रहा है टेंथ, शो दैट ए वन ए टू एंड्स ऑन ए एन फॉर्म एन ए पी हुज ए एन इज डिफाइंड एज बिलो, एनथ टर्म गिवन है हमारे को ए एन इक्वस टू थ्री प्लस फोर एन, हमको ये बताना है कि ये जो एनथ टर्म गिवन है ये एक ए पी बनाती है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फिफ्टीन टर्म इन एच केस, हमें एस फिफ्टीन भी फाइंड करना है फर्स्ट और सेकेंड दोनों पार्ट में, तो किसी को भी एपी शो करना होता तो हम क्या करते हैं उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल बता देते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाता है तो वो क्या होती है एपी, तो इसके लिए पहले एपी नहीं है हमें एपी फॉर्म करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या गिवन है ए एन विच इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर एन, फर्स्ट नंबर की टर्म फाइंड करने के लिए कितना पुट कर देंगे एन की जगह वन, पुट एन इक्वल टू वन, एन की जगह वन पुट कर दिया इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ए वन आ गया थ्री प्लस फोर इंटू वन, फोर एन का मतलब फोर इंटू एन, देन ए एन ए वन इक्वस टू थ्री प्लस फोर, देन ए वन इक्वस टू सेवन, सेकेंड नंबर की टर्म फाइंड करने के लिए पुट एन इक्वस टू टू इन इक्वेशन फर्स्ट, देन ए टू इक्वस टू थ्री प्लस फोर इंटू टू, देन ए टू इक्वस टू थ्री प्लस एट, देन ए टू इक्वस टू इलेवन, ठीक है। पुट एन इक्वस टू थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट, ए थ्री इक्वस टू थ्री प्लस फोर इंटू थ्री, देन ए थ्री इक्वस टू थ्री प्लस ट्वेल्व, देन ए थ्री इक्वस टू फिफ्टीन, एक टर्म और फाइंड कर लेते हैं, पुट एन इक्वस टू फोर इन इक्वेशन फर्स्ट, देन ए फोर इक्वस टू थ्री प्लस फोर इंटू फोर, देन ए फोर इक्वस टू थ्री प्लस सिक्सटीन, देन ए फोर इक्वस टू नाइनटीन, ठीक है, फोर टर्म्स आ गई। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये ए पी है, तो ए पी प्रूफ करने के लिए हम क्या निकालते हैं, पहले ए टू माइनस सेवन, ए टू इलेवन माइनस सेवन, देन ए टू माइनस ए वन विच इज इक्वस टू फोर, ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री फिफ्टीन माइनस इलेवन, देन ए थ्री माइनस ए टू विच इज इक्वल टू फोर, ए फोर माइनस ए थ्री नाइनटीन माइनस फिफ्टीन, देन ए फोर माइनस ए थ्री विच इज ऑल्सो इक्वल टू फोर,
सबका कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, सो ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री, हैंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। अब ये एपी बना रहा है, एपी बना रहा है तो हमें क्या फाइंड करना है, एस 15, तो डी कितना हो गया, ए टू माइनस ए वन विच इज इक्वल टू 4, और एस 15 के लिए किस किस की जरूरत होती है, ए एन और डी की, तो ए तो कितना हमारे पास ए वन विच इज इक्वल टू 7 एंड एन कितना है 15, ठीक है, एस एन एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पुट कर दिया इसने n इक्वल टू 15, a इक्वल टू 7 एंड d इक्वल टू 4, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, एस 15 की, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका सेकंड पार्ट है, 10th का सेकंड पार्ट, सिमिलर इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। टेंथ के सेकंड पार्ट को देखो, ए एन किसके इक्वल है, 9 माइनस 5 एन, ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि ये एपी बनाती है, तो सिमिलर क्या करेंगे, एन के जगह 1 पुट करेंगे, ए 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे, ए 2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे, ए 3 एंड 4 पुट करेंगे, ए 4 की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। फिर इसको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, ए 2 माइनस ए 1 फाइंड आउट करोगे, ए 3 माइनस ए 2 फाइंड आउट करोगे, ए 4 माइनस ए 3, अगर वो इक्वल आ जाता है तो वो एपी होगी, और नहीं आता है तो नहीं होगी, क्लियर। आज की क्लास यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।